मैं उनका कर्ज चुकाने के लिए नहीं, मैं उनका कर्ज चुकाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मेरी जिम्मेदारी निभाने को आया हूँ। जो रियाज भाई ने किया तो मेरी भी जिम्मेदारी है, और खास करके समाजवादी पार्टी गठबंधन का एक हिस्सा है। आपको मालूम है भिवंडी ईस्ट में रईस भाई खड़े हैं, महाविकास आघाड़ी की है, और यहाँ पे जो फ्रेंडशिप में लड़त हो रही है जिसे अपन मैत्रीपूर्ण लड़त बोलते हैं, तो उसमें हमारे रियाज भाई लड़ रहे हैं। बस उनके लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, और इसके लिए मैं यहाँ पे उनके समर्थन में आया हूँ। कहेंगे जिस तरह से आपको उत्साह रियाज भाई के ऑफिस कार्यालय में दिख रहा है, समाजवादी पार्टी में दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको कि टक्कर कैसी होने वाली है? देखो टक्कर तो मुझे मालूम नहीं, पर इतना पक्का है, लोगों की चक्कर देखी है मैंने, लोग रियाज आदमी को बहुत पसंद करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप 20 तारीख को देखेंगे, 23 को रिजल्ट भी देखोगे, रियाज भाई पक्का भिवंडी वेस्ट का आगे से नेतृत्व करेंगे, यहाँ के MLA बन के आएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। जनता इस बार किस चीज को वोट देगी? विकास को वोट देगी, शिक्षा को वोट देगी, या जनता धन के आधार पर इस बार वोट देगी? नहीं, देखो डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट देना चाहिए। और दूसरी बात, आप देख रहे हो रियाज भाई एक क्लीन चेहरा है, एकदम क्लीन चेहरा है, जो अच्छे बिजनेसमैन भी है, जो अच्छे सोशल वर्कर भी है, और ये सभी बातें जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए वो रियाज भाई में है। इसके लिए बस इतना मुझे विश्वास है, ये सभी बातें देख के आगे चल के रियाज भाई डेवलपमेंट के बेस पे सभी से वोट मांगेंगे, और लोग जरूर उनका साथ देंगे। लड़ाई किससे है उससे कुछ मतलब नहीं है। जीत कौन रहा है उससे मतलब है। मैं पहले ही बोला कि मैं किसको हराने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं रियाज भाई को जिताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो ये जरूरी है।